Hello everyone, this is Shalini and now in this video we will start new lesson of your first unit, that is Animal Kingdom. Before this we have studied about Plant Kingdom and now in this video we will study about various classes of Animal Kingdom. So let's start and read the lesson. When you look around, you will observe different animals with different structure and form. As over a million species of animal have been described till now, the need of classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि जब आप अपने अराउंड देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स दिखते हैं जिनकी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म अलग होती है. और मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल अभी तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन क्या है? बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पर उनका पता होना चाहिए कि कौन सा किस क्लास में आता है. सपोज़ आपकी फिशेज़ हैं वो किस में आती हैं, जो आपके एव्स हैं वो किस में आते हैं, मैमल्स हैं वो किस में आते हैं, और इनकी सबकी क्या है, बॉडी फॉर्म, स्ट्रक्चर, बॉडी फॉर्म, ठीक है, वो सारी क्या होती है, डिफरेंट होती है. और क्लासिफिकेशन हेल्प किस में करती है? इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसी. तो क्लासिफिकेशन और किस में हेल्प करती है कि जो कोई नया स्पीसी डिराइव हो रहा है उसको किस में हमने ऐड करना है, उसके लिए बताने में मदद करती है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस लेवल पर करनी चाहिए इसको. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. बॉडी सिमेट्री बोलने का क्या मतलब है? इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देखने में स्ट्रक्चर और फॉर्म डिफरेंट एनिमल्स का क्या है, अलग अलग होगा, फिर भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो उनमें कॉमन पाए जाते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी की सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, उसके बाद पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो देखने में वो चाहे अलग अलग होंगे बट कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो उनमें कॉमन हैं. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. और इन फीचर्स को यूज़ किया जाता है basis of animal classification और इनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है. तो मैं वन बाय वन आपको ये समझाती चलूँगी. सो फर्स्ट हम रीड करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दो ऑल द मेम्बर्स ऑफ Animalia are multicellular. All of them do not exhibit same pattern of organization of cell. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म आते हैं मेंबर ऑफ Animalia में, वो सारे क्या हैं, multicellular हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर कोई भी नहीं है, multicellular हैं. All of them do not exhibit same pattern of organization of cell. पर वो सारे के सारे, उनका एक ही पैटर्न नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, जो सेल्स होंगे वो अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनाइज होंगे. तो यानी कि डिफरेंस कहाँ पर है? दे डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है इन स्पॉन्जेस, द सेल्स आर अरेंज इन लूज सेल एग्रीगेट. स्पॉन्जेस के केस में क्या है, सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं लूज एग्रीगेट, फॉर दैट इज़ दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यानी कि वो क्या एग्जिबिट करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, स्पॉन्जेस के केस में क्या है, सेल कैसे अरेंज होते हैं, लूज एग्रीगेट की फॉर्म में, और ये एग्जिबिट करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सम डिवीजन ऑफ लेबर अक्कर अमंग द सेल्स. और क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है अमंग द सेल्स. ये भी आपको पता है कि हर एक सेल को डिफरेंट डिफरेंट काम दिया गया है परफॉर्म करने के लिए. तो जैसे इन सीलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, हेयर द सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज एंड हेंस दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वैसे जो अब सीलेंट्रेट्स की बात आ रही है, सीलेंट्रेट्स में क्या आ गया जी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई. ठीक है,
और अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद और बढ़ा जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि हमारे जो प्लैटीहेलमिंथ्स हैं और अदर हायर फाइलम है, वहाँ पर आ जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो मैं ये आपको एक एक करके भी आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट में आते रहेंगे. प्लैटीहेलमिंथ्स क्या है, सीलेंट्रेट्स क्या है. ठीक है, तो ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम. तो यानी कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, किस किस में, इकाइनोडर्म्स में, कॉर्डेट्स में, और अभी हमने यहाँ पर ये एनिलिड्स में. ठीक है, इन सब में होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. अब जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में, वो क्या वेरियस पैटर्न होता है उसमें. फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिंथ हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड हेंस इज इनकम्प्लीट. अब यहाँ पर बात आ गई इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट. बोलने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास बताया प्लैटीहेलमिंथ्स बताया, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर आपकी सिंगल ओपनिंग होती है. अब जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है. तो यानी कि यहाँ पर टू ओपनिंग्स हैं, बट जो प्लैटीहेलमिंथ्स है उसके पास क्या है, दे हैव ओनली सिंगल ओपनिंग. ठीक है, तो वो ही काम करेगी फॉर बोथ एज एनस एंड एज योर माउथ. तो अब इसको हम क्या बोलेंगे कि जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज योर इनकम्प्लीट. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे अ कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. और जो कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसके पास क्या होंगी जी, आपकी टू ओपनिंग होगी, माउथ की और एनस की. ठीक है, तो जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का देखा, वैसे ही अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का भी क्या इशू है इसमें. सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू में डिवाइडेड है, एक ओपन टाइप है एंड दूसरा क्लोज टाइप है. तो ओपन टाइप का क्या मतलब है, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड सेल एंड टिश्यूज डायरेक्टली बाथ इन इट. ओपन टाइप के क्या है कि जो ब्लड है वो रेगुलरली पम्प कर रहा है हार्ट से, और सेल्स हैं और टिश्यूज हैं वो क्या है, डायरेक्टली ब्लड में ही बात करते हैं. ठीक है, वो ओपन है ब्लड और वहीं पर ही आपके सारे सेल्स और टिश्यू हैं. दूसरा आ गया क्लोज टाइप, जो कि हम लोगों में भी पाया जाता है, जिसमें क्या है, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स. ठीक है, जैसे कि आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज हो गई. ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी तक आपने क्या देखा, इसको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये चीज़ पढ़ी हमने अभी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब नेक्स्ट हम इसमें रीड करते हैं सिमेट्री. ठीक है, बॉडी की सिमेट्री 4.2. सो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज any plant that passes through the center does not divide them into equal half. तो जो हमारी sponges आ गई वो क्या है, asymmetrical है, मतलब उनकी कोई भी symmetry नहीं है. जैसे अगर उनकी body को, that is any plant that passes through the center does not divide them into equal halves. अगर उनको काट भी दिया जाए तो वो equal halves में नहीं कटते हैं. ये आ गई हमारी asymmetrical. और नेक्स्ट है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, उसको रेडियल सिमेट्रिक बोला जाता है. बोलने का क्या मतलब है, जब किसी प्लेन पासिंग थ्रू, जब उसको सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं और बॉडी आपकी दो आइडेंटिकल हाफ्स में टूट जाती है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, रेडियल सिमेट्री. मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ, ये ठीक है, ये आ जाती है हमारी फिगर 4.1.
रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हम सेंट्रल एक्सिस से बॉडी को डिवाइड भी कर रहे हैं तो वो क्या है, टू इक्वल हाफ्स, वन हाफ ये है और दूसरा हाफ ये है, टू इक्वल हाफ्स में वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ये आ जाती है हमारी रेडियल सिमेट्री। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि सीलेंट रेट्स हैं, ठीक है, सीलेंट रेट्स हैं, टीनोफोर्स हैं, इकाइनोडर्म है, दे हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, यानी कि किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है ये बॉडी प्लान, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि सीलेंट रेट, टीनोफॉर्म और टीनोफोर्स और इकाइनोडर्म में क्या आ जाती है, हमारी रेडियल सिमेट्री आ जाती है। नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक एनलिड, आर्थ्रोपोड एटसेट्रा, वेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन, एग्जिबिट बाईलेटरल सिमेट्री। अब हम पढ़ रहे हैं बाईलेटरल सिमेट्री की वो क्या होती है, एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिए हैं एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना कि एनिमल लाइक एनिलिड एंड आर्थ्रोपोड, उनकी बॉडी क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है आइडेंटिकल सेम लेफ्ट साइड और सेम राइट साइड में, उसको बोल दिया जी बाइलेटरल। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस में पाई जाती है ये, फिगर 4.1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट हाफ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या पढ़ा हमने अभी तक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन, सेकंड हमने पढ़ा सिमेट्री के बारे में, अब थर्ड हम देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हुआ डिप्लो एंड ट्रिप्लो, नाम से पता चल रहा होगा डिप्लो मीन्स टू एंड ट्रिप्लो मीन्स थ्री। सो एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक, उसमें क्या होगी एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म है और दूसरी इंटरनल एंडोडर्म है, तो इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जैसे कि हमारे सीलेंट्रेट, ठीक है। बॉडी जो है वो अरेंज्ड है टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, एक बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, और उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोल दिया गया जी, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, वो आ जाते हैं हमारे सीलेंट्रेट, ठीक है। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेसोग्ली इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और क्या होता है इसमें, एक आपके बीच में मेसोग्ली प्रेजेंट होती है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को अपने से सेपरेट करती है। तो हम देख लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, तो यहाँ पर जो फिगर ए है दिस इज़ योर डिप्लोब्लास्टिक। अब इसमें क्या है आपका, बाहर वाली एक्टोडर्म है, अंदर वाली ये वाली लेयर एंडोडर्म की आ गई, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो रेड कलर की बताई गई है ये आ गई हमारी मेसोग्ली, ठीक है। तो ये आ गई डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट हम ट्रिप्लोब्लास्टिक देखते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करवा देती हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा जी, वैसे ही हमारी सेम एक्टोडर्म होगी, वैसे ही हमारी जो ग्रे वाली बताई गई है एंडोडर्म होगी, और बीच में जो रेड वाली बताई गई है जो कि फर्स्ट केस में डिप्लोब्लास्टिक के केस में मेसोग्ली है, वो इस केस में क्या बना देती है, मेसोडर्म बना देती है, यानी कि थ्री लेयर्स, ठीक है, कौन सी, एक्टो बाहर वाली, एंडो अंदर वाली, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, थर्ड लेयर जिसको मेसोडर्म कहते हैं, ठीक है जी, इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ पर ये मेसोडर्म के बारे में बताया गया है, आपको एग्जांपल नोट डाउन कर लेने हैं कि किस किस में पाई जाती है ये, प्लैटीहेलमिंथ्स में और टू कॉर्डेट्स में, ठीक है।
तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं फोर्थ आ गया आपका सिलोम। ठीक है, सिलोम का मतलब क्या होता है जी? सिलोम का मतलब होता है कैविटी। ठीक है, कैविटी पता है ना आपको? कैविटी क्या होती है? कैविटी होती है खाली स्पेस। ठीक है, तो उसको सिलोम कह दिया जाता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। तो बॉडी कैविटी जो कि लाइंड होती है मीजोडर्म से, उसको क्या कह दिया जाता है? सिलोम। सो एनिमल पोजेसिंग सिलोम, जिनमें सिलोम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सिलोमेट कहते हैं। जैसे कि हमारे एनलिड, मुलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट आ गए, वो सारे आ जाते हैं हमारे सिलोमेट्स, जिनमें क्या है? सिलोम प्रेजेंट है, यानी कि उनकी बॉडी कैविटी क्या है? लाइंड बाय मीजोडर्म है। ठीक है, और इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और उनको क्या बोल दिया जाता है? सूडो सिलोमेट्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और उनको बोल दिया जाता है सूडो सिलोमेट्स। ये मैं अभी आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, बट पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। सूडो सिलोमेट्स आपके कहाँ पर होते हैं? सूडो सिलोमेट्स होते हैं हमारे एस्केलमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, आपने ये सारे नोट डाउन कर लेने हैं, एग्जाम्पल जो जो बताए हैं। द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एबसेंट इज कॉल्ड ए सिलोमेट, और एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है उनको ए सिलोमेट कहते हैं, जैसे कि हमारे प्लैटीहेलमिन्स होते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले फिगर 4.3 का 1, जो कि सिलोमेट है। अब सिलोमेट का क्या मतलब है? मीजोडर्म क्या करता है? विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, बॉडी कैविटी जो जिसमें लाइनिंग है किसकी? मीजोडर्म की। यहाँ पर देखो, ये मीजोडर्म है, रेड कलर की शो की गई है, और ये सिलोम है ये वाली। ठीक है, ये कैविटी है, तो ये आ गया हमारा सिलोमेट्स। अब सेकंड आ जाता है हमारा सूडो सिलोमेट। इसमें क्या बोला गया था? सूडो सिलोमेट्स में बताया गया था कि इन सम एनिमल बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड जो मीजोडर्म है वो कैसे? स्कैटर्ड पाउचेज में प्रेजेंट है, जैसे कि ये स्कैटर्ड है। ठीक है, ये मीजोडर्म है, रेड कलर का शो गया है, तो ये क्या है? मीजोडर्म है, और वो स्कैटर्ड अलग अलग कलर के पाउचेस बने हैं, तो यानी कि ये क्या बना देती है? सूडो सिलोमेट। ठीक है, सूडो सिलोमेट बनाती है, और ये मिलता किस में है? ये मिलते हैं हमें एस्केलमेंट्स में मिलते हैं। ठीक है, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है ये एस्केलमेंट्स क्या है, प्लैटीहेलमिंट्स क्या है। अब नेक्स्ट जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड होगा आपको समझ आती जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं ए सिलोमेट। अब ए सिलोमेट का क्या मतलब है? जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है वो आ जाते हैं हमारे ए सिलोमेट। जैसे कि ये फिगर नंबर जो सी है, दिस इज ए सिलोमेट, जो बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट है इस केस में। ये होता है आपके प्लैटीहेलमिंट्स के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का क्या मतलब हुआ? सेगमेंट्स बने हुए हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, सेगमेंट में डिवाइड होती है विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा अर्थवर्म है, उसकी बॉडी शो करती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, आपको नोट डाउन करनी है कौन सी सेगमेंटेशन करती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, इसकी बॉडी क्या है? सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट आ जाता है नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज मीजोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। नोटोकॉर्ड क्या होती है? जैसे कि हम लोगों के पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, वैसे ही क्या है नोटोकॉर्ड क्या है? उसकी एंसेस्टर समझ सकते हो आप। ठीक है, तो जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड बियरिंग। जैसे कि नोटोकॉर्ड कहाँ से ड्राइव हुई है? ये मीजोडर्म से बनाई गई है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और डॉर्सल साइड होता है, फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आती है, उसको बोल दिया जाता है नोटोकॉर्ड। एनिमल विद नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्डेट, जिसके पास होगी, और जिसके पास एब्सेंट होती है उसको नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीफेरा टू इकाइनोडर्म्स।
तो मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डॉर्सल साइड, पहले उसको समझ लो डॉर्सल क्या है। सपोज ये कोई बॉक्स है, ठीक है, तो इसकी डॉर्सल साइड कौन सी होगी, मैं आपको ये बताती हूँ। ये वाली साइड डॉर्सल है, नीचे वाली साइड वेंट्रल है, यहाँ पर पोस्टीरियर है एंड यहाँ पर एंटीरियर साइड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जनरली क्या यूज़ करते हैं वर्ड डॉर्सल, वेंट्रल एंड, ठीक है, पोस्टीरियर, एंटीरियर, तो आपको पता होना चाहिए। डॉर्सल कौन सा है, जो ऊपर वाला सरफेस होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसको डॉर्सल कहा जाता है, ठीक है, और नीचे वाला होता है उसको वेंट्रल कहा जाता है। तो अब हम नोटोकॉर्ड क्या है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, जी हाँ, जिनमें प्रेजेंट होती है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं और जिनमें एब्सेंट होती है उनको नॉन कॉर्डेट कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको ये सारी चीज़ें समझ लेनी है और जो इम्पोर्टेंट है उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है जी। थैंक यू।